तो नए गैस कनेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको अगर मना कर रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। सब्सिडी पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर्स का कोटा तय करने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक नोटिफिकेशन भले ही जारी न किया हो, लेकिन हकीकत अब यह है कि नए कनेक्शन और गैस सिलेंडर्स की बुकिंग के लिए उपभोक्ता आज भी दर दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार की नई एलपीजी नीति के कारण राज्य में गैस उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई। एजेंसी में नंबर लगाने के बावजूद भी उपभोक्ता को कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल पाता है। हालांकि राज्य के मंत्री ने एजेंसियों पर कार्रवाई का रास्ता ढूंढ लिया है और उपभोक्ताओं की परेशानी को कम करने की कोशिश में लगे हैं। 1600 रुपये से लेके 2500 रुपये तक चार कैटेगरी का चूल्हा है। अगर उनको दुकान से लेना है तो इतने ही दाम का वो चूल्हा है। इसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी करता है, कोई ज्यादा पैसा लेता है, तो उसकी शिकायत वो उस टोल फ्री नंबर पर करे, इमीडिएट उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष में बैठे नेता भी उपभोक्ता के दर्द को समझ रहे हैं। आरजेडी नेता का मानना है कि गैस सिलेंडर किचन का लाइफलाइन है। गैस सिलेंडर किचन का एक लाइफलाइन हो गया है। किचन का लाइफलाइन गैस सिलेंडर है। राज्य में गैस सिलेंडर के उपभोक्ता 37 लाख हैं। इनमें इंडियन ऑयल के 25 लाख और एचपीसीएल और बीपीसीएल के लगभग 10 से 12 लाख उपभोक्ता हैं। केंद्र सरकार की नई एलपीजी नीति के कारण आम लोग परेशान हैं, लेकिन गैस सिलेंडर पर राजनीति कम नहीं हो रही है। राज्य सरकार, बिहार सरकार पहले 6 से 9 करे, उसके बाद जो ये लेते हैं वैट, लेते हैं वैट कहीं 13% 16% है, तो वैट को कम कर सकते हैं, उसे भी लोगों को राहत मिलेगी। गैस को लेकर जनता को कोई समस्या ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1800-233-3555 जारी किया है, जिस पर गैस के उपभोक्ता अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि उपभोक्ताओं की शिकायत पर सरकार कितनी गंभीरता से ध्यान देगी। राजेश कुमार, सहारा समय, पटना।